हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश इज इजी विद विशाल। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सरोजिनी नायडू की लिखी हुई बहुत ही फेमस पोएम बेंगल सेलर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये पोएम है, फोर स्टैंजास की पोएम है, बहुत ही सिंपल पोएम है और एक स्टैंजा में सिक्स लाइन्स दी हुई हैं। चलिए शुरू करते हैं और एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका जो बेसिक जो थीम है वो ये है कि एक सेटिंग है कहाँ की, वो है एक टेम्पल फेयर की। वहाँ पे कुछ बेंगल सेलर्स आए हुए हैं और वो जो नरेट कर रहे हैं दैट इज़ यूनैनिमस, मतलब जो वो बोल रहे हैं वो पूरी के पूरी आइडियाज़ उनके सेम है। वो हैं तो प्लूरल में, मगर जो वो कह रहे हैं दैट इज़ वन थिंग। ओके, तो यही है इसका नरेट। इसमें पोइट ने इंडियन वुमेन की लाइफ को दिखाने की कोशिश की है, इंडियन ट्रेडिशंस और इंडियन कस्टम्स जिसमें वो पार्ट लेती हैं वो दिखाने की कोशिश की है, लाइफ के कौन से फेज़ में किस कलर की चूड़ियाँ उनको सूट करती हैं ये बताने की कोशिश की है। और चूड़ियों का एक क्या इम्पैक्ट है, क्या इम्पोर्टेंस है एक इंडियन वुमन की लाइफ में, ये उन्होंने बताने की कोशिश की है। तो चलिए शुरू करते हैं और ए लाइन बाय लाइन इस पोएम को समझने की कोशिश करते हैं। बेंगल सेलर्स आर वी। ओके, तो हम लोग क्या है, बेंगल सेलर्स हैं, वी सेलर्स हैं, हु बियर अवर शाइनिंग लोड्स। अच्छा देखिए, ये जो पोएम है ना फुल ऑफ एडजेक्टिव्स है, पूरी की पूरी पोएम में आपको एडजेक्टिव्स ही भरे पड़े। तो पहला चीज़ कह रहा है कि हमारा जो लोड है, हमारे जो सर पे भार रहा है जिसको हम लोग बियर करके लाए हैं, व्हाट इज दैट, दैट इज शाइनिंग लोड्स। अब शाइन क्या कर रहा है, दैट इज आवर बैंगल्स टू द टेम्पल फेयर। और वो उस वेट को, उस लोड को हम लोग कहाँ तक लेके आए हैं अपने सर पे, टेम्पल फेयर तक लेके आए हैं। और नो, अब जो जो टेम्पल में ऑन लुकर्स हैं, जो देखने आए हैं, उनको कॉल कर रहे हैं, कह रहे हैं हु विल बाय दिस डेलिकेट ब्राइट रेनबो टिंटेड सर्कल्स ऑफ लाइट। अच्छा देखिए, ये सबसे खूबसूरत बात इसकी राइमिंग स्कीम्स। ओके, बियर फेयर ब्राइट लाइट लाइफ्स वाइफ। और दूसरी चीज़ इसके एडजेक्टिव्स, कह रहा है कि डेलिकेट ब्राइट रेनबो टिंटेड। टिंटेड मतलब होते हैं जब कोई चीज़ शाइन करती है, चमकती है, और कैसे चमक रही है, रेनबो की। और ये क्या है मेटाफर, देखिए सर्कल्स ऑफ लाइट है, कौन, चूड़ियाँ, कंगन। ओके, तो कह रहा है कि कौन है जो इनको आके खरीदेगा, डेलिकेट और ब्राइट रेनबो टिंटेड सर्कल्स ऑफ लाइट। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, किसी भी एग्जाम में आ सकती है। ये लाइन लिख के आपसे पूछ सकते हैं कि कौन से स्टैंजा, कौन से पोइम की लाइन। लस्ट्रस टोकन्स ऑफ रेडियंट लाइफ फॉर हैप्पी डॉटर्स एंड हैप्पी वाइफ्स। अब देखिएगा यहाँ पे लस्ट्रस क्या होता है, जिसको आपको पाने की चाह हो, ठीक है, और टोकन्स क्या होते हैं, एक तरह का एक ये सिग्निफायर्स होते हैं जो आपको कुछ और सिग्निफाई करते हैं। तो ये जो टोकन है, देखिए जो औरत दुखी रहेगी उसके हाथ में आप चूड़ियाँ नहीं देखेंगे। तो ये जो टोकन है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, रेडियंट लाइफ को। रेडियंट मतलब क्या होता है, चमकदार, रेडिएशन, रेडियंस, ये सब वर्ड इजी से बना। कैसी लाइफ, जो बहुत ही ब्राइटफुल हो, चमकदार हो, वैसी लाइफ को रिप्रेजेंट करती है। और ये है किसके लिए, हैप्पी डॉटर्स एंड हैप्पी वाइफ्स। ओके, अब देखिए ये पहला पैरा था, पहला स्टैंजा था जो कि सेटिंग को बता रहा था और इंपॉर्टेंस को बता रहा था चूड़ियों की। आगे देखते हैं जिसमें वो फेजेस की बात करेगा कि कौन से फेज में एक वुमन कौन से रंग की चूड़ियां पहनती है। नेक्स्ट पैरा है, सम आर मीट फॉर ए मेडेंस रिस्ट सिल्वर एंड ब्लू एज द माउंटेन मिस्ट। ओके, तो सरोजिनी नायडू कह रही हैं कुछ जो है चूड़ियां वो मीट करती हैं, सुटेबल होती हैं किसके लिए, मेडेंस रिस्ट के लिए। मेडन मतलब समझ जाइए अनमैरिड गर्ल, ठीक है, अनमैरिड। विच टाइप ऑफ कलर द चूज, दे चूज सिल्वर एंड ब्लू, एंड वो क्या रिप्रेजेंट करता है, माउंटेन मिस्ट को। सम आर फ्लज लाइक द बर्ड्स। अब देखिए बर्ड वर्ड का यूज हुआ है लड़कियों के लिए, वो भी क्या है, एक बर्ड है। दैट ड्रीम ऑन द ट्रैंक्विल ब्रो ऑफ ए वुडलैंड स्ट्रीम। ओके, तो जब भी कोई बगल में कोई नदी या छोटे से नहर बह रही हो तो उसके बगल में जो कोई पेड़ लग जाता है फूल का और उसमें जो बर्ड निकलती है उसकी तरह भी वो चमकती हैं। सम आर अग्लो विद द ब्लूम दैट क्लीव्स टू द लिम्पिड ग्लोरी ऑफ न्यू बॉर्न लीव्स। तो क्या कह रहा है कि कुछ जो है, देखिए क्लीव्स मतलब होता है कट, कट मार्क किसी तरह का, ठीक है, तो उसके अंदर दिखने वाली चीज, कि कट लग जाए किसी चीज में तो आप उसके अंदर देख पा रहे हो, पहली चीज हुई। और दूसरा वर्ड यहाँ पे है लिम्पिड, लिम्पिड मतलब होता है शाइनिंग, ब्राइट। तो कह रहा है कि कुछ जो है वो चमक रही हैं, नई नई पत्तियां जब किसी पेड़ में निकलती है ना तो उसमें हमको एक चमक दिखती है, और उसमें क्या हुआ है कि उसमें हमको फूल दिख रहे हैं और उनके अंदर भी हम लोग झांक सकते, ग्लोरी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए यहाँ पे ये चीज़ ये दिखाने की कोशिश की गई है कि जब लड़कियाँ बर्ड होती हैं और वो मेडन होती हैं, अनमैरिड होती हैं, तो उनको जो है ग्रीन कलर की चूड़ियाँ अच्छी लगती हैं, उनको सिल्वर और ब्लू कलर की चूड़ियाँ अच्छी लगती हैं, ये चीज़ दिखनी। देखिए कलर की इंपॉर्टेंस को यहाँ पे बहुत अच्छे से दिखाया गया वो। ओके, ये पूरा पैरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, याद रखिएगा इस बात को मेरी, यूथ को, यूथ ऑफ ए इंडियन वुमन। ये जो सेकंड स्टैंजा है ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, मैरिड लड़की को, ठीक है। कैसे, सम आर लाइक फील्ड्स ऑफ सनलिट कॉर्न
कॉर्न कैसे होते हैं? येलो होते हैं, और येलो किसको पहना जाता है? किसी शादी करने वाली लड़की को, सुहागन जिसको बोलते हैं उसको। मीट फॉर अ ब्राइड ऑन हर ब्राइडल मॉर्न, तो जिस सुबह उसकी शादी होगी उसको उस दिन कौन पहनाएंगे? पीली चूड़ियाँ पहनाएंगे। सम लाइक द फ्लेम ऑफ हर मैरिजेस, मैरिज फायर, तो जब हम लोग जब हिंदू ट्रेडिशन में स्पेशली जब शादी की जाती है तो उनको आग की तरफ चारों तरफ फेरे लेने पड़ता है, और उसमें जो आग जलती है दैट इज ऑफ रेड कलर, तो कुछ येलो है। देखिए यहाँ पे साफ साफ सिमली है, और रिच विद द ह्यू ऑफ हर हार्ट्स डिजायर, और ये रेडनेस है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? उसकी हार्ट के डिजायर को। टिंकलिंग ल्यूमिनस टेंडर एंड क्लियर लाइक हर ब्राइडल लाफ्टर एंड ब्राइडल टीयर, ये बहुत अच्छी लाइन है। ब्राइडल लाफ्टर, ब्राइडल टीयर, ब्राइडल लाफ्टर किस लिए है? क्यों? क्योंकि वो एक नई लाइफ को बिगिन करने जा रही है, तो वहाँ पे एक 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 अलग तरह की खुशी होती है। और ब्राइडल टीयर किस लिए है? क्योंकि वो वहाँ पे सेपरेशन भी है फ्रॉम हर पेरेंट्स, फ्रॉम हर होम एंड फ्रॉम हर ब्रदर्स, दोनों चीज़ें यहाँ पे। तो ये जो रेड कलर है ये और येलो कलर है ये सेक्रीफाइस को शो करता है, ठीक है, और एक डिज़ायर को भी शो करता है साथ साथ, और अगेन फुल ऑफ एडजेक्टिव्स, ठीक है। टिंकलिंग ल्यूमिनस टेंडर एंड क्लियर, ये सारे के सारे क्या है? चूड़ियों के लिए भी यूज़ हुआ है, और साथ ही साथ ये उन डिज़ायर्स के लिए भी यूज़ हुआ हुआ है। समा पर्पल एंड ग्रो एंड गोल्ड फ्लैग्ड ग्रे, अब ये जो स्टेंजा है ये एक मिडिल एज्ड वूमन के लिए, वो वूमन जो कि क्या कर चुकी है? जर्नीड थ्रू हर लाइफ मिडवे, ओके। अब यहाँ पे वो ये बताएगा कि एक अच्छी मिडिल एज्ड वूमन जो कि अपनी फैमिली को आगे ले जा रही है, उनको पाल रही है, ठीक है, उनकी देखभाल कर रही है, तो उससे क्या एक्सपेक्टेशन रखी गई है इंडियन सोसाइटी के थ्रू? कहते हैं कि सम आर पर्पल एंड गोल्ड फ्लेक्ड ग्रे फॉर शी हु हैज जर्नीड थ्रू लाइफ मिडवे, तो अपनी लाइफ आधी तो वो काट गई है, तो वो कैसे चूड़ियाँ पहनेगी? गोल्डन पहनेगी और पर्पल पहनेगी, उस कलर की चूड़ियाँ पहनेगी। हुज हैंड्स हैव चेरिस्ड, हुज लव हैज़ ब्लेस्ड, तो जिसके हाथों में और जिसके प्यार ने एक परिवार को क्या किया है? पाला है, पोसा है, बड़ा किया हुआ है। एंड क्रेडल्ड फेयर सन्स, अच्छा यहाँ पे एक सटायर है, खुद भी एक लड़की है और बात किसकी हो रही है? चूड़ियों की, जो कि लड़कियों का सामान है, फिर भी वहाँ पे एक सटायर है किसके लिए? कि हमारी इंडियन सोसाइटी में प्रेफरेंस किसको दी जाती है? कि हमारा पहला बच्चा हो तो एक बेटा ही हो, ठीक है, तो वहाँ पे अपने क्रेडल में रखेगी, पालने में रखेगी किसको? फेयर सन्स को। ऑन हर फेथफुल ब्रेस्ट, और सुनिए वो औरत से और क्या एक्सपेक्टेशन करनी जाती है? पहली बात तो वो फेथफुल होनी चाहिए, अपने बच्चे को प्यार करे, और सर्व्स हर हाउस होल्ड इन द फ्रूटफुल प्राइड, और अपने हस्बैंड के लिए भी हमेशा फ्रूटफुल रहे और उसके साथ दे, अपने हस्बैंड की प्राइड का हिस्सा बने, कि हाँ उसके हस्बैंड को गर्व होना चाहिए कि हाँ ये मेरी वाइफ है, ये मेरी पत्नी है। और तो और इसके अलावा एक काम और भी करना है, एंड वर्शिप्स द गॉड एट हर हस्बैंड साइड, कि अपने हस्बैंड के लिए अगर उसको कमाने में ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है तो अपने इतनी पूजाएं करें, इतनी वर्शिप करें, इतनी प्रार्थना करें कि वो हस्बैंड की साइड की तरफ से भी प्रार्थना करें, उसको उसके बिहाफ में भी उसको प्रेयर्स करनी है, ठीक है। तो ये एक पूरा पूरा मतलब था इस पोएम का। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।